नमस्कार दोस्तों, आज अभी घर में पहुँचे हैं। कॉल आई थी स्नैक रेस्क्यू की, तो यहाँ पर आके देखा। आप देखेंगे इस तरफ दिखाइएगा, ये ग्रीन किलबैक स्नैक है जो कि एक नॉन वेनमस स्नैक होता है। बहुत शांत होता है बट गुस्से भी होता है कई बार। ले आ रहा मैं, तू देखा अपने पास का नहीं है। ये दो दो है यहाँ पर है, दो है, दो है, एक ही हो गया। एक ही नहीं लग रहा था वैसे। इसकी जो पूछ है ना वो ऐसी लग रही है, दो होगा करके था है उसमें। नहीं फले से नहीं हुआ था। इसकी जो पूछ है दो मुही जैसे लग रही है। ले ऐसे देखिए ना, ये ग्रीन किलबैक स्नैक है। इसने कुछ खाया हुआ है, इसे एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले पैक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। क्या ज़्यादा उसको परेशान करेंगे तो जो खाया है वो निकाल देगा वो। वैसे इसने मेंढक भी खाया हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे कि इसके दो मुंह है बट एक्चुअली है नहीं, उसकी पूंछ ही इस तरह की है। मुझे कंफ्यूजन हो गया था कि एक साथ दो सांप है जो कि ग्रीन किलबैक स्नैक है, नॉन वेनमस होता है। इसकी पूंछ शायद दो मुंह जैसी है, थोड़ी सी ऐसा लग रहा था जिस सांप का मुंह होगा। दोस्तों आप ये जो सांप देख रहे हैं ये ग्रीन किलबैक स्नैक है। एक्चुअली जब मैं इसको रेस्क्यू कर रहा था तो आप ये देख पाएंगे कि इसकी जो पूंछ है इस तरह से लग रही है जैसे कि एक और मुंडी है, तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये दो सांप है। बट एक्चुअली जब उसको बहुत केयरफुली देखा तो ये पता चला कि ये दो एक ही सांप है दोनों होते हुए, क्योंकि इसका जो पूंछ का सिरा है वो सेम वैसा ही लग रहा था जैसे कि ये दो मुँह वाला ये दो सांप है करके। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो पूंछ है वो मुंह के आकार की हैं। शायद हो सकता है किसी चोट लगी हो या किसी पक्षी द्वारा या किसी जीव द्वारा इसको नुकसान पहुंचाया गया था, जिससे वजह से इसकी पूंछ इस तरह से हो गई। सेम लग रही है वो मुंह की तरह। नमस्कार दोस्तों, जो कल रात में हमने अम्बेडकर वार्ड से एक सांप रेस्क्यू किया था, बस अब उसे छोड़ने के लिए आए हैं। ये पहले तो उसमें था, एक बॉक्स उसमें डाला था डब्बे के अंदर, क्योंकि मुझे दिखाना था आपको कि ये दो मुंह जैसा लग रहा था बट वो है नहीं। एक्चुअली ये ग्रीन किलबैक स्नैक है जो कि एक नॉन वेनमस स्नैक होता है। इसके काटने पर किसी तरह का नुकसान नहीं होता है, बट फिर भी प्रिकॉशनरी हम लोग क्या करते हैं कि ग्लव्स पहन लेते हैं कि हमें भी नुकसान नहीं होना चाहिए और ना ही सांप। सांप ने कुछ खाया था इसलिए मैंने उसको हाथ में नहीं पकड़ा, जल्दी से डब्बे में डाल दिया था। क्योंकि मोस्टली ये देखा जाता है कि जब भी सांप को रेस्क्यू किया जाता है तो वो जो खाया हुआ होता है उसे उगल देते हैं। इसका मेन रीज़न ये होता है कि उससे वो थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और इसके अलावा भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब हम सांप को पकड़ते हैं तो सांप पी कर देते हैं, तो जो जिस वजह से क्या होता है कि हमारा ध्यान भटक जाता है। तो इसीलिए मैंने इसे क्या किया कि अब इसमें डाल दिया है, अब इसे मैं डायरेक्ट नेचर में रिलीज़ कर देता हूँ जहाँ इसे होना चाहिए।